कि हमारे संविधान से छेड़छाड़ ना की जाए, हमारे मौलिक अधिकारों का हमें अधिकार दिलाया जाए। राजनीतिक पॉलिटिक्सों ने इसका मतलब दुरुपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश करा दिया कि जो एससी जाति के अच्छे पैसा वाले उन्हें हटा दिया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भारत बंद का ऐलान किया था 21 तारीख को। हमारे आरक्षण में जो छेड़छाड़ की गई है, बंटवारा कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि बंटवारा हो, हम सब दलित भाई एक हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, यानी चाहे हमारा ओबीसी का हो, चाहे हमारा बैकवर्ड का हो, या हमारा शोषित समाज एससी एसटी का, तो जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने इसका विरोध किया है कि हमारे संविधान से छेड़छाड़ ना की जाए, हमारे मौलिक अधिकारों का हमें अधिकार दिलाया जाए। जो 1947 में हमारा संविधान लागू हुआ, इसके बाद हम लोगों को सारी 50% आरक्षण के बाद हमारा 20% रह गया, 20 में वो भी हमारा घटा दिया, और इसके बाद में राजनीतिक पॉलिटिक्सों ने इसका मतलब दुरुपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश करा दिया कि जो एससी जाति के अच्छे पैसा वाले उन्हें हटा दिया जाए, और जो बिल्कुल निचले स्तर के उन्हें इसका लाभ दिया जाए, जिससे कि हम लोग इस पर सहमति नहीं, क्योंकि निचले स्तर के लोग हमारे पढ़ ही नहीं पाते, उन्हें अपनी गरीबी से फुर्सत नहीं है, तो इसलिए हम लोग सर्व समाज के लोग बुद्धिजीवी वर्ग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ उसे भी निरस्त किया जाए, हमारे मौलिक अधिकारों का हमें अधिकार दिया जाए, जो हमारे बाबा साहब हमें अधिकार दे गए शिक्षा में, नौकरी में, और दलितों एससी बैकवर्ड के प्रति जो हमारे सामूहिक मतलब यानी हम लोगों को दिए आरक्षण हमें पुनः वापस दिए जाए हमारे समाज। ये हमारे यहाँ भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे एससी एसटी में क्रिमिनल का वर्गीकरण उपवर्गीकरण किया है, इसके संबंध में हमारी बहन मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भारत बंद का ऐलान किया था 21 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। हमारे आरक्षण में जो छेड़छाड़ की गई है, बंटवारा कर रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि बंटवारा हो, हम सब दलित भाई एक हैं, एससी एसटी ओबीसी सब एक हैं, हम ये नहीं चाहते बंटवारा हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक क्रीमी ले लाया गया था एससी एसटी के आरक्षण को लेकर, उसमें डिवाइडेशन करी गई, उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर से आवाहन किया गया था कि 21 अगस्त को हम लोग भारत बंद करेंगे, जितने भी एससी एसटी के जो भी बड़े दल हैं उन सभी का आवाहन था, उस आवाहन को हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आवाहन था, उसमें हम लोगों ने संपूर्ण भारत बंद कराने में उनका सहयोग। आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आगमन पर हम लोगों ने पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया है और भारत बंद कर आंदोलन चलाया है। क्या मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम? हमारे आरक्षण के साथ एससी ओबीसी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई है, जो माननीय हमारे बहन जी के आदेश पर हम सारे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे आरक्षण छेड़छाड़ को। क्या मांग की गई है? ज्ञापन भी दिया जो उन्होंने क्रिमिनल का आरक्षण दिया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।